بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أداء مجمعين إلى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما व हुसैन ममन्नी वैना मिनह वाईजन अलहसन व मनी व अना मिनह मिन एक मौजू जो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हुआ है वो है एक क्लिप मौलाना मरहूम शफ़ी उकाड़वी साहब के फर्जंद कॉकब नूरानी साहब का उस क्लिप को आप लोग सुने और फिर देखते हैं कि उन्होंने किन मौजूद को डिसकस किया है हजरत सैदना इमाम हसन के बारे में उनका जिक्र बहुत कम होता है सैदना इमाम हुसैन का जिक्र ज्यादा होता है क्यों शिया कहलाने वाले भी इनका जिक्र नहीं करते हजरत इमाम हुसैन का जिक्र ज्यादा करते हैं बारह इमाम जो माने जाते हैं वो हजरत इमाम हुसैन की औलाद में से माने जाते हैं हजरत इमाम हसन की औलाद में से नहीं माने जाते क्यों मैं आपको बता दूं ताकि आप लोग अपना ज़ेन साफ रखो सैदना इमाम हसन रदी अल्लाह तो नबी पाक के करीब थे प्यारे थे हमसे ज्यादा दीन को जानते थे या नहीं ऊंची गई है हमें उन पर एतराज का कोई हक है चूंकि उन्होंने हजरत अमीर मुआविया से सोला कर ली थी हजूर ने पहले ही बता दिया था मुसलमानों के दो बड़े लश्करों में मेरा ये बेटा सुलह करवाएगा हजरत अमीर मुआविया का लश्कर था इधर इमाम हसन का लश्कर था इमाम हसन ने कहा मेरी वजह से इतने मुसलमानों का खून हो आपस में लड़ाई हो मैं तो ये नहीं होने दूंगा उन्होंने सुलह का पैगाम भेजा सुलह हो गई ये बात शियों को पसंद नहीं ये इसलिए उनका जिक्र करते नहीं जेन में रहे आपके बहुत तकलीफ है इनको कि हजरत अमीर मुआविया से सोला क्यों कर ली वो नबी के शहजादे वो भी साहबी हजरत अमीर मुआविया भी साहबी अल्लाह नबी के सहाबा से राजी वो तुम्हारे पीछे चले या तुम्हें उनके पीछे चलना चाहिए तो आज ये जानबूझकर उनका जिक्र छुपाते हैं दबाते हैं हमें करना चाहिए या नहीं ऊंची वो नबी पाक के शाहजादे हैं वो भी शाहजादे हैं सैदना इमाम हुसैन भी शाहजादे तो इस हवाले से अपने जेन में कभी ना लाइएगा कोई उनके बारे में कि उनकी शान कम है ऐसी कोई बात नहीं अब इस क्लिप में अगर आप तवज्जो दें तो एक तो उन्होंने तोहमत लगाई कि शिया इमाम हसन का ज़िक्र नहीं करते अब जबकि उनकी मस्जिद गुलजर बाज़ार के पास है और पचास साल से ज़्यादा से अट्ठाईस सफ़र को शहादत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जुलूस बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से निकल रहा है तो इस मौजू को भी डिस्कस करते हैं और साथ में उन्होंने कहा कि ये जो जिक्र नहीं करते शिया, तो पहली तोहमत तो ये कि वो जिक्र नहीं करते ये बिल्कुल एक गलत दूसरी ये कि ये इस वजह से नहीं करते क्योंकि इमाम हसन ने माविया से सुलह की थी और फिर उसके बाद एक मौजू उठाया कि बाक़ी जो आइमा हैं वो इमाम हुसैन की नस्ल से हैं और वो भी इसी वजह से तो इन मौजुआत को हम डिस्कस करते हैं एक एक करके तो सबसे पहले ये जहन में रहे कि इमाम ने खुद इरशाद फरमाया है और ये रवायत इरशाद में भी 232 और बहारुल अनवार में जल नंबर 45 सफ़ा नंबर तीन में और अवालिम जल नंबर 17 सफ़ा नंबर 245 में इमाम हसैैन सल्लाम जिसवत हजरत जैनब सला करबला ये काफ़िला पहुँचा और इमाम सलाम के जुम्ला को सुनकर जनाब ज़ैब पर गश्तारी हुआ और जब वह होश में आई तो इमाम हसैैन सल्लाम ने उन्हें तसली दी और इर्शाद फरमाया कि मैं मेरे जद यानी रसूल अल्लाह सल्ला वम मुझसे बेहतर थे मेरे व अबी खैर मनी व उनमिन्नी और उसके बाद फरमाते हैं व वीर खैरमिन्नी यानी इमाम हसन साम के फरमाते हैं कि वो मुझसे बेहतर थे और असल मौजू जो उन्होंने डिस्कस फ़रमाया इमाम हुसैन हसैन ने फ़रमाया किस लिए कि ये सब भी दुनिया से गए हैं तो ये जहन में रहे पहला मौजू के बारह इमाम एक एतबार से बराबर हैं वो इस एतबार से कि ये सब, कि सब लो लो वाले वाले के सब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खला हैं हुक्म खुदावंद मु तबारक व ताल से मंसूब हुए आपके भी रवायात हैं बारह खलफा की बारह उमरा की अब ये और बात है कि आपके तमाम मुहदसिन परेशान हैं कि बारह कौन हैं? कोई किसी को शामिल करता है किसी को शामिल करता है हती ये कि यजीद पलीत मलून को भी शामिल कर देते हैं इस मौजूक को भी इन श्ला तफसीर से डिस्कस करेंगे कि ये बारह खलफ़ा ये बारह अमीर कौन है रसूल सल्लव वसलम क्या अलबत्त इतना बताते चलें कि खलफ़ा रसूल अल्लाह की जो तादाद रसूल सल्ला वसलम ने इर्शाद फरमाई और बुखारी और दीगर कुतुब के अहबार से मुस्लिम के अबार से वो ना चार है ना पाँच है वो है बारह और ये भी जहन में रहे कि ये जो शोर है खलफा राशिदीन का कि वो चार थे ये भी बिल्कुल सौ फीसद गलत है खलफ राशिदीन खुद अहल सुन्नत के हिसाब से पाँच हैं कि जिनमें से आखिरी छः महीने खलफा के जो तादाद है पाँच हैं और आखिरी छः महीने जो खिलाफत है वो इमाम हसन की है खुदाए अहले और महदसिन अह सुन्नत के मुताबिक बस ये अहले सुन्नत को याद रखना चाहिए कि खलफा राशिदीन चार नहीं हैं बल्कि पाँच हैं और पाँचवें को छुपाया जाता है कि माविया ने इजमा नहीं किया अब अगर ऐसा है तो फिर तो मौल को भी इनकार करना पड़ेगा मानने से क्योंकि हज़रत आयशा ने नहीं माना और फिर हजरत स्स्मान को भी माइनस करना होगा क्योंकि उनको भी हजरत आयशा ने नहीं माना और मोलाली को भी माविया ने नहीं माना तो फिर तो आखिर में रह जाएंगे सिर्फ दो बस खुल्फा राशिदीन दर हकीकत अहल सुन्नत के नजदीक हैं पांच लेकिन रसूल अल्लाह वसल्लम ने जिनका जिक्र फरमाया है वो हैं बारह अब ये जहन में रहे कि ये जो इन्होंने इर्शात फरमाया कि इसी वजह से नहीं है क्योंकि माविया से इमाम हसन ने सुल फरमाई तो ऐसा बिल्कुल गलत है यह नस के जरिए से हैं। ये के के है यह रसूल सल्लाम के फरमान के मुताबिक है अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बाकी अगर इमाम हसन की नस्ल से हो तो आप क्या करते तो कोई और एतराज़ उठा देते जहन में रखें कि बाकी जितने भी आयमा हैं यानी इमाम जैन्दीन अल्लाम के बाद जितने भी आयमा हैं वो इमाम हसन की नस्ल से भी हैं इमाम हुसैन की भी नस्ल से हैं क्योंकि इमाम जैन्दीन अल्लाम की हज़रत फातमा बिनते हसन लिहाजा बाकी आयमा दोनों आयमा की नस्ल से हैं और वो रिवायत के जो आप क्या इमाम मेहंदी सल्लम के बारे में है वहाँ पर उनके वालद का नाम हसन मिलता है और वो हसन दो एतबार से उसको देखा जा सकता है इस नाम को कि अगर इमाम हसन मुशतबा मुराद हैं इमाम ज़मान के इमाम हसन की नस्ल से हैं तो ये बात भी सही है इमाम ज़मान साम इमाम मेहदी अल्लाम इमाम हुसैन की नस्ल से भी हैं इमाम हसन की नस्ल से भी हैं और अगर आपकी उस रवायत को देखा जाए तो उनके वालिद का नाम भी हसन था यानी इमाम हसन अस्करी अलत अब यह कि हम सब का जिक्र याद रखें कि बराबर करते हैं इमाम हुसैन का जिक्र भी उतना ही करते हैं जितना इमाम हसन का है लेकिन एक फ़र्क के साथ इमाम हुसैन का जिक्र हम शहादत के एतबार से ज्यादा करते हैं अब आप मुमकिन कहें कि ऐसा क्यों है तो इसका एक जवाब बहुत ही सादा सा ये है कि आपके वालिद भी सबसे ज्यादा जो शहादत बयान करते थे वो इमाम हुसैन अलातम ही की बयान करते थे तो क्या उनको भी मुआविया से बोख़ था तो ये तो जवाब आप इर्शाद फरमाइएगा अल्लाह उनके दर्जा बलंद फरमाए वो इमाम हुसैन का ज़िक्र फरमाते थे और कसरत से फरमाते थे और बिना शक इमाम से ज़्यादा मजालस व इमाम ही की पढ़ते थे और उसकी वजह यह है कि उनके मसाइब मुनफरद हैं हत् तमाम अम्बिया और हत् खुद रसूल अल्लाह और मौला अली और इमाम हसन और बाई आइम् के दरम्या इसी तरह से ये जहन में रहे कि आपके ये रवायात मसाइब इमाम हुसैन सबसे ज़्यादा हैं खसूसा कौन सी रवायात कि जिस वक्त रसूल अल्ला वम की आगोश मुबारक में इमाम हसैैन सलमाम को दिया गया उस दिन से मलाइा का नज़ूल हुआ रसूल सल वसम पर मुख्तलि मलायक नाजिल होते थे और ख़बरें देते थे बताते थे इमाम हसैैन सलमाम की शहादत के बारे में लिहाजा इमाम हसैैन अल्लाम की कब्र की मट्टी भी ला के आपको जनाब जब्रैल नेता फ़रमाई और वो मट्टी आपने सलमा सल्मा को दी सलमा सलम जब असर आशूर सो रही थी मदीने में तो उन्होंने रसूल सल वसलम को ख्वाब में देखा कि उनके सर में खाक हैं आँखों से आंसू जारी हैं आपने घबरा के सवाल किया कि इस ग्रिरिए की वजह क्या है तो आपने फरमाया कि करबला मेरे में मेरे हुसैन को कत्ल कर दिया गया है आप फ़ौरन गईं और जाके उस संदूक को खोला जहाँ पर वो मट्टी जो आपको रसूल सल वसम ने दी थी और फरमाया था कि इसको अपने पास रखो और जब ये खून में बदल जाए तो समझ लेना मेरे हुसैन को कतल कर दिया तो यहाँ से पता चलता है ये सारा अहतमाम रसूल अलैहि वसल्लम की जानब से इमाम हुसैन सलाम ही के लिए था और इस पर रवायात आपके यहाँ भी बहुत बड़ी तादाद में हैं और दुआ है कि एक दिन आप इन रवायात को जमा करें और इमाम से मोहब्बत का सबूत दें और उन तमाम रवायात को बाद में सुन्नत के दरमियान लाएँ और एक सवाल उठाएँ कि ये इतनी रवायात क्यों हैं इमाम हुसैन आलाम की मज़लूमियत के बारे में कि जिन्हें मलायक बार बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िदमत में लाकर पेश फरमाते थे और इसी तरह जहन में रहे कि जब हज़रत उम्मे उम्मीद सलाम ने रसूल सल् वसलम को ख्वाब में देखा गिरिया करते हुए तो ये भी जहन में रहे कि शिया सुन्नी दोनों किताबों में है कि जो भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु सल्ह वसम को अगर पहले से पहचानता है और ख्वाब में देखे तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्व ही हैं कोई और नहीं हो सकता बस मालूम हुआ कि इमाम हुसैन पर गिरिया ऐसी सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु सल वसम है कि वो सुन्नत के जिसे आपने इमाम हुसैन की विलादत के वक्त भी अंजाम दिया और उस वक्त अंजाम दिया कि जब मसाइब नहीं पड़े थे और उनकी शहादत के वक्त भी अंजाम दिया बस इतनी मुनफरद सुन्नत है इमाम हसैन आल सलामाम पर गिर अब जो आपने फ़रमाया था कि इसको दोबारा ज़िक्र करें अट्ठाईस सफ़र इमाम हसन सल सलाम की शहादत का दिन है और उससे पहले रसूल सल्लम की यौम शहादत है क्योंकि आपको जहर से क़त्ल किया गया और इसे आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर कि तमाम दुनियाए इस्लाम में जहाँ भी अहले बैत अहिलम के चाहने वाले हैं बहुत ही ज़ोर शोर से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत और इमाम हसन सल की शहादत को मनाते हैं बस इस पर आप ख़ुद ही दिक्कत करें और कोशिश करें कि अपनी ग़लत फहमी का इजाला फरमाएँ अब ये जहन में रखें कि इमाम हसन अल्लाम भी इमाम हुसैन के इमाम थे और ये जो आपने फ़रमाया कि माविया की सुल की वजह से हम इमाम हसन का जिक्र नहीं करते जो आपने खुली तोहमत लगाई तो वो सुलह के जो मुआविया के साथ इमाम हसन ने बरकरार की थी तो सुलह की भी बैकग्राउंड याद रहे कि दर हकीकत वो एक सीज़फायर था वो मुआविया के जिसने चौथे खलीफा से आपके आप लोग ये कहते हैं जो खलाफा को बुरा कहे वो काफ़िर हो जाएगा जो खलाफा से जंग करे वो काफ़िर नहीं होता अजीब बात है और उसने तो मौला अमीरुल अमिर पर जो लानतों का सिलसिला मुआविया ने शुरू किया था वो तो सालों चला और फिर आप फजीलत देते हैं उमर अब्दुल अजीज़ को कि उसने लानतें दें ऑफ़िशली रुकवाई लेकिन रुकी नहीं थी ये तो चलता रहा सिलसिला और अभी भी आप देखें जो यजीदियत ज़िंदाबाद के नारे लगे उसमें में दर हकीकत अली मुर्दाबाद के नारे छुपे हुए थे तो ये जो आपने कहा इससे अंदाज़ा हुआ कि आप बहुत दिक्कत नज़र नहीं फरमाते तो इमाम हसन इमाम हुसैन के भी इमाम थे और इमाम हसन ने उस सुलह को जारी रखा बस अगर उस सुलोह की वजह से हम इमाम हसन का साथ छोड़ देते तो हमें इमाम हुसैन का भी छोड़ना चाहिए था क्योंकि 50 हिजरी में मुआविया के ज़रिए से इमाम हसन की शहादत हुई और 50 से 60 तक मुआविया का दौर था और इमाम हुसैन उसी ज़माने में थे और उन्होंने इमाम ही की तरह से सुल को जारी रखा लिहाजा हम यही कहते हैं कि अगर इमाम हसन होते उस दौर में तो वो यही करते और अगर इमाम हसन होते करबला में तो वो वही करते क्योंकि दोनों के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अल्ला वसलम करशाद अल हसन व इमामान इमामानाम और कहदा ये दोनों के दोनों इमाम हैं चाहे एक सुल करें और चाहे एक क़याम फरमाएँ अब ये जो आपने क़यास किया या बिल आखिर जो भी किया कि शिया इस वजह से तो आपने कहीं सुलह इमाम हुसैन की मुखालफत किसी शिया के मुंह से सुनी है हम तो कसरत से कहते हैं कि इमाम हुसैन सल्सम ने अपने दौर के बातिल को ललकार कर और जान देकर बिल्कुल वाजे किया और इमाम हसन सल ने अपने दौर के बातिल को शरात सुलह के ज़रिए से बिल्कुल वाजे कर दिया कि ये एक बािल शख्स है अब हमको डिस्कस करते हैं माविया से जो इमाम हसन सलाम ने सुलह फरमाई तो पहली बात ये वाजे रहे कि सुलह कोई ये दोस्ती और मोहब्बत की नहीं थी ये उस जंग को बढ़ाया जा रहा था कि जो जंग इस मुआविया ने आपके चौथे खलीफा और रसूल अलैहि वसल्लम के नफ्स और जान मौला मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर मुसलत की थी और इस जंग की दर हकीकत हज़रत आयशा ने फरमाई थी मौला मौल मिरम्न पर जंग की ये और बात है कि हज़रतमान के लिए भी फरमाती थी उक्तुल अलफ़त फकत कफरा कि हज़रत उस्मान को यह हुदी से नस्बत देती थी और फरमाती थी इसे कत्ल कर दो ये काफ़िर हो गया है वो जंग जमल जो जनाब आयशा ने शुरू फरमाई तो माविया ने उसके बाद जंग सफ़ीन मुसलत की और फिर उसके बाद खवारज ने जंग नहरवान तो उसी जंग को इमाम हसन अलैहिस्सलाम बढ़ाना चाह रहे थे लेकिन क्योंकि साथ देने वाले नहीं थे और उस वक्त का तकाजा ही यही था तो इमाम हसन ने सलो फरमाई लेकिन ये कोई दोस्ती की अलामत नहीं थी ये जंग बंदी थी और माविया ने किसी भी शर्त पर अमल नहीं किया ये बिल्कुल एक अलग मौजू है कि माविया ने अमल नहीं किया जिसमें अहमतरीन एक मौजू यह था कि अपने बाद किसी को अपना जानशीन नहीं बनाओगे अली अपने अभी तौल सलाम को गालियाँ देना बंद करोगे वो नहीं की गईं उनके चाहने वालों पर म बंद करोगे वो नहीं किया गया और वो अब तक चल रहा है अब एक मौजू जो आपने डिस्कस किया और उमूा सुन्नत उसे डिस्कस करते हैं कि इमाम हसन सल सामने ने दो मुसलमान ग्रोहों के दरमियान सुलह कराई अब यहाँ पर हम सवाल ये करते हैं कि अगर इमाम हसन अल्लाम सलह ना करते तो क्या होता आप जानते हैं वही होता कि जो माविया के बेटे ने किया है वो सब कुछ इमाम हसन के साथ हो चुका होता तो इमाम हसन ने जो सुलह कराई तो ये भी तो सोचें कि क्यों कराई अब ये जो आप इस्तलाल करना चाह रहे हैं कि वो एक मुसलमान ग्रोह से बात आप ले जा रहे हैं कि वो हक़ पर था या सही था तो यहाँ तो काम और ख़राब हो जाता है इस रिवायत से कि मुसलमानों को वो लड़ाने वाला था मुसलमानों की आप तइद कर सकते हैं मुसलमानों को उकसाने वाला वरगलाने वाला और ज़माने के खलीफ़ा इमाम रसूल के नवासे के ख़िलाफ़ जंग पे उकसाने वाला वो किसी भी एतबार से तारीफ़ के काबिल नहीं हो सकता क्या आपके सामने सही बुखारी की वो रिवायत नहीं है और ये मशहूर तरीन रिवायत ना का सही बुखारी में तकरीबन कहा जा सकता है अक्सर कुतुब रवायी अहर सुन्नत में है कि रसूल अल्ला वम ने इशात फरमाया जनाब अम्मा से कि तुम्हें एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा अब ये रिवायत आपके सामने है जिल नंबर एक सही बुखारी की और रिवायत नंबर है फ़ोर फोटी सेवन तो असल वाक़ क्या है ये आपके सामने पढ़ के सुना देते हैं कि अबू सईद खुजरी रज़ी अल्लाह तहों की खिदमत में जाऊँ और इनकी अहदीस सुनूँ हम गए देखा अबू सईद रज़ी अपने बाग को दुरुस्त कर रहे थे हमको देख कर आपने अपनी चादर संभाली और ऊँट मारकर बैठ गए फिर हम फिर हमसे हदीस बयान करने लगे जब मस्जिद नबवी के बनाने का ज़िक्र आया तो आपने बताया कि हम मस्जिद बनाने में हिस्सा लेते वक्त एक एक ईंट उठाते लेकिन अम्मार दो दो ईंटें उठा रहे थे आन हज़रत सल्हसम ने इन्हें देखा तो इनके बदन से मट्टी झाड़ने लगे और फरमाया अफसोस अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी जिसे अम्मार जन्नत की दावत देंगे और वो जमात अम्मार को जहन्नम की दावत दे रही होगी अब जिस माविया के लिए आप कहना चाह रहे हैं उसे मुसलमान कहकर तो सही बुखारी में तो उसे बागी कहा जा रहा है और ऐसा बागी नहीं कि जो फकत तख्त तो ताज के लिए हो सहाबी रसूल को जहन्नम की जानब दावत देने वाला तो अब आम मुसलमानों के लिए कितना ख़तरनाक होगा और यही ऐनन रिवायत सही बुखारी जल नंबर चार सफ़ा नंबर टू सेवन सेवन हदीस नंबर टू एट वन टू में इतने में नबी करीम इधर से गुजरे और इनके सर से गुबार को साफ़ किया फिर फरमाया अफसोस अमार को एक बाई जमात मारेगी ये तो इन्हें अल्लाह की इतात की तरफ दावत दे रहा होगा लेकिन वो इसे जहन्नम की तरफ बुला रहे होंगे हज़रत अम्मार बिन यासिर के फ़ाइल व हालत बयान हो चुके हैं यहाँ मुराद जंग सिफीन है, है। जिसमें ये हज़रत अली के साथियों में से थे और पैंतीस में ये वहाँ ही तिरानवे साल की उम्र में शहीद हुए आन हज़रत सल वसम ने अज़रा शफ़त व मोहब्बत इनके इनका सर गर्दो वबार से साफ़ किया इससे इनकी बहुत बड़ी फ़जीलत साबित हुई और बाप का मकसद भी साबित हुआ तो अब यहाँ पर वाज हुआ कि आप जिसका दिफा करना चाह रहे हैं वो मुसलमान ग्रोह को वरगलाने वाला सरदार था और दर हकीकत ये बागी था हत् अम्मार जैसों को जहन्नम की जानब बुलाने वाला यानी क्या कि आम मुसलमानों को गुमराह करने वाला जहन्नम की जानब बुलाने वाला अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो साहबा के फ़ाइल बयान किए जाते हैं क्या माविया को और हज़रत आयशा को इन फ़ज़ाइल का इल्म था आप लोगों को तो है लेकिन सवाल ये पैदा होता है उन्हें था या नहीं था वो फजाइल का इतना वो अब का इतना एहतराम क्यों नहीं करते थे क्या वजह है कि मुआविया ने जनाब हजरत हजरबिन उदय को या हजर बिन अदी को कत्ल करवाया जनाब हजरत अम्मा को कत्ल करवाया मौलानमिन पर गालियाँ दिलवाईं जनाब अमर बबिन हमक़ाई को कत्ल करवाया जनाब हज़रत महमद अपने अबू बकर को कत्ल करवाया तो समझ में नहीं आता कि यह रिवायतें आप तक तो पहुँच गई कि असहाब का एहतराम करो उन लोगों तक क्यों नहीं पहुँची थी अब अगर उन्होंने सुन के भी रसूल अलैहि वसलम को नहीं माना जिस तरह से हज़रत आयशा ने जंग की या मुआविया ने जंग की या जिस तरह से और असाब पर जुल्म हुआ जैसे कि हज़रत अल्लाह ताला तहों पर जुल्म हुआ उनकी जोजा की हरमत को पामाल किया गया जबकि आप ही इस अपने क्लिप में कि जब आपके सामने हम पेश कर रहे हैं अल्लाह तरमा रहा है मेरे हबीब आप फरमा दीजिए मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगता सिवाय अपनी कराबत की मोहब्बत के कुरान की इस आयत ने बताया कि कराबत रसूल की मोहब्बत ईमान वालों पर वाजिब है क्या है वाजिब, वाजिब है जब ये आयत नाजिल हुई साहब कर राम हाजिर हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा मन कराबतों का हा उलाजीना वजबतना या सल्लल्लाहु अलैहि वम आपके वो करीबी कौन हैं जिनकी महब्बत हम पर वाजिब की गई है वजबत अली ना मवदत तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का इरशाद फरमाया, व फातिमा तो वाला वो अली हैं वो फातिमा हैं और उनके बेटे तुम आप फरमा रहे हैं कि ये हैं क़ुरब रसूल अल्लाह तो सवाल ये पैदा होता है आपको पता है ये क़रब रसूल्ला इनकी मोहब्बत मोहब्बत से रसालत की उजरत अदा होगी अदा होगी लेकिन क्या ये हज़रत आयशा को और ख़ुद माविया को और इन लोगों को नहीं पता था इन क़ुरबा का तो सीधी सीधी बात है कि जो अशरफ अलंबिया सल वसलम ने फरमाया बागी ग्रोह था ये फिर आपने एक और अपनी तकरीर में कि जो देखना चाहें वो मिल सकती है इन्हीं के नाम से अगर आप सर्च करें टू थाउजेंड नाइनटीन की है वहाँ ये फरमाते हैं जिसने इमाम हसन से सुल की हम इससे जंग नहीं कर सकते जिससे इमाम हसन ने सुल की तो आपके चौथे खलीफा ने तो उनसे जंग की थी तो आप जंग क्यों नहीं करेंगे उससे कितनी अजीब बात है आप ये कह रहे हैं जिससे इमाम हसन ने सुल की आप ये क्यों नहीं कह रहे कि जिससे इमाम हसन ने सुल की मजबूरी में सुल की और इमाम हसन के वालिद से और चौथे खलीफा से उस आदमी ने जंग की थी तो आपको तो जंग करनी चाहिए चौथे खलीफा की सीरत और सुन्नत पर अमल करते हुए अब हाँ यहाँ पर एक किताब को हम आपके सामने पेश करते हैं ये आप ही के वालिद माजद की किताब है इमाम पाक और यजीद पलीत और इसके सफ़ा नंबर वन एटी एट को आपके सामने पेश करते हैं कि जिसमें और हसन ने जहर से वफात पाई इनकी बीवी ज्यादा बिनते अशस ने इनको ज़हर पिलाया था कहा जाता है कि इसने ये फ़ेल मुआविया के हुक्म से किया था और ये भी कहा जाता है कि यजीद के हुक्म से किया था अब ये किताब जो है हम सिपाही साहबा के सामने भी पेश कर रहे हैं कि इसमें शफी उकाबी साहब ने मुआविया के साथ कहीं भी रज़ी अल्लाह नहीं लगाया इस किताब को भी वैसे बैन होना चाहिए और दूसरी बात ये कि ये जाहिर है कि शफी व साहब ने अपने पास से तो नहीं लिखा ये कुतुब तारीख़ में कसरत से है कि माविया ने जहर दिलवाया था ज़्यादा बिनते अशस के ज़रिए से अब ये ज्यादा बिनते अशस कौन है तो ये बड़ी तेज़ी से बताते चलें इसी किताब में पेज नंबर दो सौ चार से ये मौजू शुरू होता है कि अशस वो था कि जिसने इबन मुलज़म को अपने रात को रखा तो ये सब आप इसको पढ़ सकते हैं और उसको सपोर्ट किया और सुबह अपने बच्चे को भेजा और पूछा कि देख के आओ कि क्या हुआ और उसके साथ साथ इसको ये वाजे करते हैं और यही ज्यादा का बाप बल्कि उसको कर देते हैं इस रिवायत से वाज तौर पर साबित हुआ कि जादा का बाप अशस जादा के बाप अशस को इब्ने मुलज़म के इरादे कत्ल का इल्म था तो अगर इसके दिल में हजरत अली हज़रतली अल्लाह वजह की अकीदत और मोहब्बत होती तो वो इब्ने मुलम को इस जुल्म से रोकता या किसी तरह हज़रत अली या आपके किसी अजीज़ को इसकी इतला कर देता बल्कि तस्लीम करना पड़ेगा कि वो भी हजरत अली के कत्ल में एक कस्म का शरीक था और यही ज़्यादा कबाब अशस हज़रत अबूबकर रजी के अहद खिलाफत मैं अपने कबीले के साथ मुर्तद हो गया था चुनाचे हज़रत इमरास के समझाने बुझाने से कि तुम कत्ल कर दिए जाओगे ये लोग खौफ कत्ल से फिर इस्लाम में आ गए नीज़ हज़रत मुसलिबन अकील को कुफे में गिरफ़्तार करने वाला और इबन ज़्याद का हामी साथी जादा का भाई मोहम्मद इबन अशस था इसी ज्यादा के भाई क़ै और मोहम्मद बिन अशस ये दो भाई और इसके कबीले के कंदी लोगों ने कंदी लोगों ने करबला में यजीदी लश्कर किंदी लोग करबला में यजीदी लश्कर में थे और हज़रत इमाम हुसैन रजील्न की शहादत के बाद जादा का जालिम जादा के जालिम भाई ने हज़रत इमाम के तने बेसर से जुब्बा और चादर उतार ली और पाँव से नाल शरीफ़ैन उतार ली कमा सयाती फिर शहादा इनशा ज़्यादा इसके बाप और भाइयों और इसके ख़ानदान के मुख्तर हालात हदये क़ार हदये कारयन किए गए हैं जिससे इस खानदान की तीनत हजलत का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है अब यहाँ पर एक चीज़ ये बताना भूल गए कि मोहम्मद बिन अशद बिन कैसे कंदी शोहर था हज़रत अबू बकर की बहन उम फरवा का और ये ज़्यादा बिनत अशअस बेटी थी तत उम फरवा की और भांजी थी जनाब अबू बकर की और सगी फुफीजात बहन थी जनाब आयशा की इसे हमने पहले भी बाज़ बयान किया तो बाद लोगों को बुरा लगा अब मौलाना यहाँ पर फरमाते हैं हमें बार बार राफज़ी कह के तो यहाँ पर हम ये बात कर दें कि राफज़ी से आपकी मुराद क्या है राफजी से अगर आपकी मुराद है जो असहाब को बुरा कहते हैं तो फिर तो आपको मानना होगा कि माविया ने मौला मेमौनिन गाली दिलाई उसे भी आप राफजी कहें हज़रत अली भी हजरत अली की हज़रत आयशा भी मुखालिफ थी उन्हें भी आप राफजी कहें और अगर आप उनके तोबा के कायल हो जाएं कि उन्होंने मान लिया था कि गलती हो गई तो आपको इतना कहना होगा कि बिलाखिर माजी में ये लोग राफज़ी ज़रूर रहे लेकिन इमाम शाफ अपने दीवान में फ़रमाते हैं ये दीवान आपके सामने है इसमें ये आपके सामने है इनकाना रफ़न हब्ब अल महम्मद फल यशहदलानी और फ़िज़ी तो यहाँ से पता चलता है कि अहले बैत के चाहने वालों को राफज़ी कहा जा रहा था और वजह क्या थी अहिल बैत की मोहब्बत यही वजह है कि इमाम शाफी फरमाते हैं कि अगर आल मोहम्मद की मोहब्बत रफ़ है तो ए जन्न गवाही दो कि मैं राफजी हूँ दुआ है कि खुदाबंद तबारक वाली आप सबको मोहब्बत रसूल अल्ला वसलम और अहल बैत अरमाएँ और इसी तरह से रबल आने वाला है गुजारिश है कि तोह रसालत का सिलसिला शुरू ना फरमाइएगा कभी उनको जाहिल कहकर कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे कभी उनके माँ बाप को काफिर कहकर और इन डायरेक्ट वे में आप ये कहना चाहते हैं कि माज़ल्लम रसूल सल्हसम काफ़िर पैदा हुए नजिस पैदा हुए तो ये जसारत न कीजिएगा की और अगर उनके लिए आप लोगों का इतना दिल खुला हुआ है तो फिर औरों के एतराज़ात को सुनने की भी ताकत रखिएगा وصلى الله على محمد واله الطاهرين